Hello everyone, this is Jyotirmay Nanda and welcome to your channel Botany Now. I know you all are worried about the judgment of the Supreme Court on the conduction of NEET and JEE exams, whether it will postpone or not. ଏହି ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ରଖିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେୟାର କରିସାରିଛି। ନିଟ୍ ଆଉ ଜେଇ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ର ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବାର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ହିଁ ରହିଥିଲା, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ଏହି ଡେଟ୍କୁ 17 ଅଗଷ୍ଟକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରାଯାଇଛି। एंड 17 अगस्ट राइट 11 AM रे सुप्रीम कोर्ट रो डिक्लेरेशन परे आमे क्लियर हे जीवा कि एग्जाम आउ थरे पोस्टपोन करा गला कि एग्जाम पाई डेट फाइनल करा गला। किछे रूमर्स रो जणा पडछे जे जेई मेन रो एडमिट कार्ड आज बा 15 अगस्ट रे रिलीज होबार थिला, बट एडवोकेट अलेख आलोक श्रीवास्तव कन्फर्म करिसेंति जे नो एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड बिफोर मंडे हियरिंग। मंडे पूर्वर कौन सी एडमिट कार्ड रिलीज हबार ना। मो प्रीवियस वीडियो रे मध्य शेयर करी नीट एग्जाम को नहीं सुप्रीम कोर्ट रे मध्य केस फाइल करा जाय छी। स्टूडेंट्स माने चाहू छथि एग्जाम को पोस्टपोन करा जाउ एंड केतेक पेरेंट्स एसोसिएशन चाहू छथि एग्जाम होबा पई सेप्टेम्बर रे डेट फाइनल करा जाउ। एबे आउ गोटे केस मध्य रजिस्टर करा जाय छी जोटि कि 4000 स्टूडेंट्स जो मैंने आउट ऑफ द कंट्री रहुचंती से मैंने चाहूचंती कि नीट एग्जाम को ऑनलाइन मोड रे कंडक्ट करा जाओ, नहले एग्जाम को पोस्टपोन करा जाओ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बा NTA सुप्रीम कोर्ट रे एफिडेविट द्वारा जणाई छै जे इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द एग्जाम्स ओवरसीज आज द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ओनली ऑन पेपर बुक फॉर्मेट एंड नॉट टू पोस्टपोन द एग्जाम। एफिडेविट रे क्लियरली मेंशन करा जाय छै जे एग्जाम केबे हबो केमिति हबो एवं केउ फॉर्मेट रे कंडक्ट करा जिवो तार कंप्लीट डिसीजन ओनली NTA ही नै पाइबो एवं एहार अथॉरिटी ओनली NTA पाखरे अछि आउ एहा भितरे केही इंटरफेयर करिवे नाही एवं एही डिसीजन को हाई कोर्ट मध्य ग्रीन सिग्नल देइ सारछि। सो इट इज ए वेरी बिग विक्ट्री फॉर NTA इन हाई कोर्ट एंड इट्स ए वेरी बैड न्यूज फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू पोस्टपोन द एग्जाम। स्टूडेंट्स मानक साइड रो मध्य कंप्लेन रही छि। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ए रो मध्य एठी वायोलेशन हि छि। आर्टिकल 14 रे रही छि राइट टू इक्वालिटी एक्ट जोथरे कि सब स्टूडेंट्स मानक समान अधिकार रही छि। एबे आसाम आउ बिहार रे फ्लड होइतिबार आमे जानिचे एवं कोलकाता रे मध्य साइक्लोन होइतिबार आमे जानिचे। एहा द्वारा बहुत स्टूडेंट्स माने सफर करूचंती। बेसिकली गां गहळी रे जो स्टूडेंट्स माने रहिले सेमानको पाखरे मध्य प्रॉपर नेटवर्क रो अवेलेबल रहु नै, जहां फल रे कि सेमाने पढा उपरे कंसंट्रेट करि पारु नाहांती। आर्टिकल 21 ए रे रहिचे राइट टू एजुकेशन एक्ट जोथिरे सब स्टूडेंट्स मानकर पढिबार अधिकार मध्य रहिचे। एबे कोरोना रो पैंडेमिक सिचुएशन जो सब कॉलेज और कोचिंग क्लासेस मध्यम बंद रही केतेक एरिया को कंटेनमेंट जोन बोली मध्यम घोषणा करा जाय छी। कॉलेज गुडा को एठी कोविड सेंटर रे मध्यम परिणत करा जाय छी, जहां फल रे पिला माने प्रॉपर गाइडेंस पाउनांती पढिबा पई जाई पारनांती। तो एई टाइम रे ट्रांसपोर्टेशन रो असुविधा मध्यम रही छी। पिला माने जे एग्जाम सेंटर रे पहुंची पारिबे रे मध्यम प्रॉब्लम फेस करिवे, सेथिपाई पिला माने चाहू चंती एग्जाम को पोस्टपोन करा जाओ। तो 17 अगस्ट रो 11 AM रे सुप्रीम कोर्ट रो डिक्लेरेशन परे आमे सियोर हे जीवा कि एग्जाम को पोस्टपोन करा गला कि एग्जाम पाई डेट फाइनल करा गला। सो होप फॉर द बेस्ट। CBSE रो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन रो फॉर्म 14 अगस्त रे ऑलरेडी बाहरी सारी छि एवं एहारो एग्जाम सेप्टेम्बर रे कंडक्ट करा जीवो बोली नोटिफिकेशन आसी सारी छि। सो एडमिट कार्ड केबे रिलीज हबो कि आउ थरे एग्जाम को पोस्टपोन करा जीवो एहा मु मोर नेक्स्ट वीडियो रे आपन को शेयर करिवि। समस्ते पढा उपरे कंसंट्रेट करंतु, फोकस करंतु एंड टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करिया पई के चेष्टा करंतु। धन्यवाद।